बेंगलुरु में खेले गए चौथे वनडे मैच में गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 21 रनों से हराकर उसके विजय अभियान पर विराम लगा दिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 5 वनडे मैचों की सीरीज में अपना खाता खोल लिया। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने स्वीकार किया कि उनके बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे वनडे में बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन इस हार को एक दिन का खराब प्रदर्शन बताया। कोहली ने मैच के बाद कहा, हम 30वें ओवर तक मैच में थे, मुझे लगा कि हम उन्हें 350 रन पर रोक देंगे तो अच्छा होगा और हमने वही किया। हमारी शुरुआत अच्छी रही, लेकिन हमें सलामी साझेदारी के बाद एक और अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, ऐसा होता है, कई बार दिन अपना नहीं होता। उमेश और समीर ने अच्छी गेंदबाजी की, स्पिनरों का दिन हमेशा अच्छा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम उतना खराब भी नहीं खेले लेकिन उनका प्रदर्शन हमसे बेहतर रहा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर और एरोन फिंच के बीच पहले विकेट के लिए हुई 231 रनों की साझेदारी के दम पर भारत के सामने 335 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। भारतीय टीम केदार जाधव, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की अर्धशतकीय पारियों के बावजूद भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 313 रन बना सकी। NMF न्यूज की रिपोर्ट। We'll be right back.